صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. अबाबे गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सालाना महफिल पाक जिस तरह हर साल सजती है, बिल्कुल उसी तरह करीम आका रहीम आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में सजाई गई है। तो अल्लाह करीम ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। अब कितना बुलाना 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 जिसका जिक्र खुद रब्बे जुल जलाल बुलंद करता है, तो उसके जिक्र की बुलंदी का आलम क्या हो सकता है। हमारी अकलें दंग हो जाएं अगर हम ये सोचने बैठ जाएं कि अल्लाह के महबूब का जिक्र कितना बुलंद किया गया है। जो अबाब अभी तक बाहर तशरीफ फरमा है, जल्दी से पंडाल के अंदर तशरीफ ले आएं, मेहरबानी करें जो अबाब बाहर खड़े हैं जल्दी जल्दी आ जाएं ताकि महफिल पाक का एक बाकायदा आगाज किया जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अल्लाह का कुरान कहता है वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंदी अता फरमाई, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। किसी का जिक्र अगर कोई दुनियादार करता है, किसी का जिक्र अगर कोई चौधरी करता है, किसी का जिक्र अगर कोई एमएनए एमपीए करता है, खुदा की इज्जत की कसम वो फूले समाता नहीं। वो कहता है मेरा नाम फला की जुबान पे आया है, मेरा तज़करा फला की जुबान पे आया है। अरे कुर्बान जाऊं उस मुस्तफा की जात पर जिसका जिक्र खुद रब्बे जुल जलाल ने कुरान में कर दिया है। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर लिया, हमने तेरे जिक्र को बुलंदियां अता फरमाई। उसी करीम आका रहीम आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की याद में आज हमने ये महफिल पाक सजा कर बैठे हैं। और क्या खूब किसी ने कहा है, कहता है या रब तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, या रब तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, मैं जिक्र हबीबे खुदा कर रहा हूँ, शरफ इसको हासिल हो मकबूलियत का, शरफ इसको हासिल हो मकबूलियत का, इलाही मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ। तो आज हम तमाम यहाँ पर बैठकर अल्लाह के महबूब का जिक्र कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हम सब का मिलजुल कर यहाँ पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और हम सब का मिलजुल कर यहाँ पर जिक्र महबूब करना अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब इस महफिल पाक का बाकायदा आगाज तिलावत इलाही से करना चाहता हूँ, जिसकी सआदत हासिल करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब कारीउल कुर्रा फखरुल कुर्रा जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहजाद साहब। आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप आए और करीम आका रहीम आका कारीउल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद शहजाद साहब आप आए और खूबसूरत अंदाज से तिलावत बय्यनात की तिलावत फरमाएं और हमारे कुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएं।